हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा पोको फ़ोन है तो पोको फ़ोन की फाइल ऑप्शन पर जाकर जो हमारे फ़ोन में वीडियोस एंड फोटोज़ हैं तो वीडियोस एंड फोटोज़ को हम कैसे अपने फ़ोन में हाइड कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे फ़ोन के आइकन इस तरीके से हमारे फ़ोन में शो हो रहे हैं, तो हमें स्वाइप कर लेना है। स्वाइप करते ही हमारे पास ऑप्शन आएगा फाइल ऑप्शन, तो हमें इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही हमारा फाइल ऑप्शन ओपन हो गया। तो अपने फाइल ऑप्शन पे जाकर हमने वीडियोस एंड फोटोज़ को हाइड कैसे कर सकते हैं, तो आपको क्लिक करना है सेव फोल्डर पे। जो भी आपका सेव फोल्डर पासवर्ड टाइप करेंगे तो हमारा ये ओपन हो जाएगा। फिर आपको बैक करना है, यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे कुछ भी इमेजेस वगैरह, तब से सेलेक्ट कर लेना इस तरीके से। सेलेक्ट करने के बाद आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है, फिर आप क्लिक कर देना इस ऑप्शन पर। क्लिक करते ही हमारे फ़ोन में वीडियोज़ एंड फोटोज़ हमारे फ़ोन में हाइड हो जाएंगी, हमारे हाइड फोल्डर में चली जाएंगी। तो हमारे फ़ोन में जो फोटोज़ एंड वीडियोज़ थे हाइड हो चुके हैं, तो हम इसको इस पर चेक कर सकते हैं, हमारे फ़ोन फाइल्स में यहाँ पर शो हो जाएंगी। शायद ये हमारी हाइड नहीं हुई, इसको दोबारा चेक कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो वीडियोस एंड फोटोज़ है हमारे फ़ोन में हाइड हो जाएंगी। जिसमें हमारी फ़ोन की सेटिंग फाइल ऑप्शन रखकर वीडियोस एंड फोटोज़ को हम हाइड कर सकते हैं अपने पोको फ़ोन में। तो आपके वीडियो से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू।